राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हा जी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है कान्हा जी का नाइट सूट, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही इजी वे में आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें जो निक्कर है उसके लिए हमने फैब्रिक लिया है, 7x3 इंच की स्ट्रिप ली है। ये हम 2 से 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ले रहे हैं। अगर आप 0 से 1 नंबर के लिए लोगे तो आप इसको स्मॉल साइज में लीजिए, 4x2 इंचज़ के लीजिए, 2 इंचज़ या 1.5 इंचज़ के लीजिए। अगर आप 4-5 नंबर में बना रहे हो तो इसे इंक्रीज़ कर लीजिए, आप इसे 9x3.5 इंचज़ के लीजिए। इस तरह से आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं साइज़। मैंने और बहुत सारी वीडियोज़ में आपको निक्कर बनाना सिखाया है हर एक नंबर के लिए, तो आप उन वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे, एक साइड में कुछ इस तरह से फोल्ड करके हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड पे हम सिंपली हैमिंग दे देंगे, इस तरह से ब्रिक हैमिंग देंगे एक साइड में, एक साइड में थोड़ी सी चौड़ी हैमिंग देंगे क्योंकि हमने इलास्टिक ऐड करना है, इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने दोनों साइड पे हैमिंग करके एक साइड पे इलास्टिक इंसर्ट कर दिया है। ये थ्रेड कट कर दो। तो अब हम इलास्टिक को कान्हा जी की कमर के हिसाब से रखेंगे, बाकी को खींच के यहाँ पे नोट टाई अप कर देंगे। नोट टाई अप करके एक्स्ट्रा इलास्टिक हमने कट कर देना है। अब हमने कुछ इस तरह से रॉन्ग साइड में पकड़ना है और ये जो ओपन साइड है इसको क्लोज कर देना है स्टिच लगा के। स्टिच लगाने के बाद हमें इस तरह से इसको मिड में लेके जाना है स्टिच को, और यहाँ पे वी स्टिच लगा देना है जिससे ये हमारी निक्कर जो है बन के रेडी हो जाएगी। देख लीजिए, बिल्कुल मिड में लेके जाना है और यहाँ यहाँ पे कुछ इस तरह से वी स्टिच लगाना है और अंदर की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर देना है। ये देखिए, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया। अब हम इसको सीधा टर्न आउट कर देंगे तो ये निक्कर हमारी जो है बन के रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है चोली की। चोली के लिए हमने 9x3 इंचज़ की स्ट्रिप कट की है सेम फैब्रिक की। इसको हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये स्ट्रिप बना के रेडी कर लेंगे। ये हमने स्ट्रिप रेडी कर ली है। अब हम इस स्ट्रिप को हाफ हाफ में कट करेंगे। कट करने के बाद इसको कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे। प्लेस करके कुछ इस तरह का हम रिबन लेंगे, आप कोई भी कंट्रास्टिंग रिबन ले सकते हैं, रेड ग्रीन वाइट जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे रिबन को, तो ये चोली हमारी जो है बनके रेडी हो जाएगी। ये देखिए, ये चोली हमारी बनके रेडी हो चुकी है। इसको पहनाना कैसे है देख लीजिए। ये कुछ इस तरह से कान्हा जी के शोल्डर्स हैं यहाँ और यहाँ, और ये पीछे जाके रिबन जो हमने एक्स्ट्रा रखा है ये यहाँ पे टाई अप हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आएगी और इसके नीचे ये निक्कर आ जाएगी, तो ये बहुत क्यूट लगता है। आपको ये सूट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।